नमस्कार, मेरा नाम मयंक चतुर्वेदी। मैं माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से। आज मैं कक्षा छठवीं विषय संस्कृत तृतीय पाठ शब्द परिचय थर्ड पर चर्चा करूँगा। जो मैंने शब्द परिचय फर्स्ट बताया उसमें पुल्लिंग का पूरा वर्णन था, जो शब्द परिचय सेकंड बताया उसमें पूरा स्त्रीलिंग का वर्णन था, और आज जो मैं आपको शब्द परिचय थर्ड बताने जा रहा हूँ इसमें पूरा नपुंसक लिंग का वर्णन है। अब आप सोचते होंगे कि ये पुल्लिंग क्या है, स्त्रीलिंग क्या है, नपुंसक लिंग क्या है। तो छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि उनके लिए क्लास या ये सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम पढ़ने के लिए इनके लिए कुछ नई चीज़ें होती हैं तो उनको जानना जरूरी होता है। तो जैसा कि चैप्टर फर्स्ट में आपने देखा होगा कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है, हमारे संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन मतलब केवल एक, एक वचन मतलब एक, द्विवचन मतलब दो, और यदि बहुवचन है तो दो से अधिक। कोई भी वस्तुएं या कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु या व्यक्ति या स्थान कुछ भी कह सकते हो, एक है तो एक वचन, दो है तो द्विवचन, और दो से अधिक है तो बहुवचन, ठीक है। फिर आगे चले तो उसमें आपको क्या मिला था, लिंग। लिंग में आपका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में जेंडर बोलते हैं वही चीज हमारे संस्कृत में है। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तो हमने पुल्लिंग पढ़ चुका चैप्टर फर्स्ट में, स्त्रीलिंग पढ़ चुके चैप्टर सेकंड में, और आज पढ़ेंगे नपुंसक लिंग चैप्टर थर्ड में। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो नपुंसक लिंग है इसकी मुख्यतः पहचान क्या है कि जो कोई भी शब्द होता है, जैसे शब्द है आपका हिंदी में फल, इस फल के को यदि हमको नपुंसक लिंग बनाना है तो लिखने के बाद फलम, देखिए लास्ट में माँ लिख के हलंत लगाना है, यदि ये हलंत लगा है, माँ के नीचे हलंत लगा है, मीन्स यहाँ से क्लियर हो जाता है कि ये जो शब्द है नपुंसक लिंग का है। एक चीज और आपको बता दूं, यदि पुल्लिंग के लिए आपको मैक्सिमम यह देखना है शब्द के बाद ऐसे विसर्ग होगा, कैसे, जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिखा राम, राम लिखा, राम के बाद विसर्ग लगा दिया तो ये आपका रामा संस्कृत शब्द हो गया और ये पुल्लिंग बन गया। यदि हम इसका विसर्ग हटा दें बचेगा राम, तो ये हिंदी शब्द हो गया, ठीक है। तो पुल्लिंग में केवल ऐसा होगा कि शब्द के बाद विसर्ग लगा होगा, केवल अकारांत पुल्लिंग की बात हो रही है। फिर चलेंगे स्त्रीलिंग में, तो इसी राम को यदि हम चाहें तो हम रामा बना देंगे, मीन शब्द के अंत में बड़ा की मात्रा लगी है, इसका मतलब वो आकारांत स्त्रीलिंग, क्लियर। और नपुंसक लिंग में क्या होगा कि शब्द के अंत में माँ होगा और उसके नीचे हलंत होगा। तो आज हम जो पाठ पढ़ रहे हैं वो नपुंसक लिंग का है, इसमें सारी चीजें जो आएंगी, जो शब्द आएंगे सब नपुंसक लिंग के होंगे। नपुंसक का मतलब जिस शब्द से स्त्री और पुरुष जाति का पता ना चले, या जहां से स्त्री और पुरुष जाति का पता नहीं होगा या पता नहीं चल पाएगा वो नपुंसक लिंग होगा, क्लियर। तो चलते हैं, सबसे पहला डायग्राम है, सबसे पहला चित्र बना है। पहले चित्र में आप देखेंगे, आपके पास बुक होगी, पेज नंबर 16 है। पहले चित्र में एक श्रमिका है, श्रमिका मतलब मजदूर ने, उसके हाथ में फावड़ा है जिसको कुदाल भी बोल सकते हैं, और वह कुछ खोदने का काम कर रही है, ठीक है। तो देखेंगे एतत किम, एतत माने यह, किम मतलब क्या, यह क्या है, तो एतत खनित्रा मस्ति, यह है कुदाल है, खनित्रा माने कुदाल में लिखा है, खनित्रा मतलब कुदाल या फावड़ा या खोदने की कोई भी सामग्री, तो यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति, जो मजदूरनी है, श्रमिका मतलब मजदूरनी, मजदूरनी खनित्रम मीन्स होता है कुदाल, चालयति मीन्स चलाती है, मजदूरी मजदूरनी कुदाल चलाती है, अर्थात मजदूरनी फावड़ा चलाती है, ठीक है। आप चलते हैं दूसरे डायग्राम में, दूसरे डायग्राम में लिखा हुआ है विश्राम भवन, विश्राम भवन जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेस्ट हाउस, समझ रहे हैं बात को,
जो रेस्ट हाउस है उसी को हम संस्कृत में बोलते हैं विश्राम भवन, मतलब विश्राम करने का घर। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे तत् किम, पहली लाइन में लिखा है तत् किम, यह क्या है, तत् विश्राम गृहम अस्ति, यह विश्राम करने का घर है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, भित्तिकम माने दीवार, देखो मैंने लिखा है भित्तिकम माने दीवार। दीवार का तात्पर्य होता है कि एक तो पिलर नुमा बना दिया जाता है, चार पिलर देते हैं ऊपर से सेट दे दिए, एक ऐसा भी बन जाता है उससे भी विश्राम किया जा सकता। आपने तंबू देखे होंगे छोटे छोटे, चारों तरफ से ऊपर से पन्नियां ढक देते हैं, नीचे रहते हैं, उसको उसमें भी विश्राम किया जा सकता है। और यदि हम जहाँ रह रहे होते हैं, जो घर होता है ऊपर छत होती है, चारों तरफ से दीवार होती है, तो उनको बोलते हैं दीवार, जो चारों तरफ से उस एरिया को ढक देता है वो दीवार कहलाता है। ठीक है, तो क्या लिखा है, किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है, तो लिखा है अत्र भित्तिकम नास्ति, क्योंकि जो ये डायग्राम बना है इसके दोनों तरफ देखिए आप छज्जा बना हुआ है और चार पिलर बने हुए हैं, चारों तरफ से वह खुला है, तो इसमें दीवार नहीं है। तो लिखा हुआ है अत्र भित्तिकम नास्ति, इसमें दीवार नहीं है। अब चलते हैं तीसरे डायग्राम में। तीसरे डायग्राम में एक व्यक्ति कुछ सोने चांदी का काम कर रहा है, अब देखेंगे तो क्या लिखा है, एते के, यह कौन है, एते अंगुली के स्तः, यह अंगुली के शब्द लिखा है, अंगुली के का तात्पर्य होता है अंगूठियां बनाने वाला। ठीक है, अंगूठियां क्या है, जिसको हम उंगलियों में पहनते हैं। ठीक है, तो एते के, यह कौन है, एते अंगुली के स्तः, यह अंगूठियां बनाने वाला है। स्वर्णकारः अंगुलिकं रचयति, स्वर्णकारः एक जो अंगूठी का काम करता है उसको ही, जो जाति होती है उससे वह नवाजा जाता है, तो उसे जो सोने चांदी का काम करता है उसे सुनार कहा जाता है। तो जो स्वर्णकार है वह क्या करता है, अंगुली के रचयति, अंगूठियां बनाता है। स्वर्णकारः अंगुलिके रचयति, जो सुनार है वह अंगूठियां बनाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले पैराग्राफ में। अगला पैराग्राफ हमारा है जिसमें डायग्राम बना हुआ है कई सारी बसों का। ठीक है, वो बसें जिसमें हम बैठ के एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, वो वाहन के रूप में उसको काउंट किया जाता है, नाम दिया जाता है, तो एक से अधिक है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है ते के, ये सब क्या है, ते बस याने स्तः, ये सब बस यान हैं। ते बस याने कुत्र गच्छतः, ये बसें कहाँ जा रही हैं, कुत्र मतलब कहाँ, गच्छतः मतलब जा रही, ये बसें कहाँ जा रही हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः, ये बसें रेल स्थानक मतलब रेलवे स्टेशन जा रही हैं, ये बसें रेलवे स्टेशन जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगले चित्र में चलेंगे। अगला चित्र आप देखो एक से अधिक है, और एक से अधिक में वो कह सकते हैं इसको कि रुमाल का चित्र बना हुआ है। रुमाल को हम कह सकते हैं, जिसको आप इंग्लिश में हैंकी बोलते हो, जेब में रखते हैं, और उसका यूज भी आपको बहुत अच्छे से पता है। तो ये चित्र बना हुआ है हैंकी का, रुमाल का, वो रुमाल हाथ पोछने का काम करती है, इसका इसलिए उसका संस्कृत में नाम होता है कर वस्त्राणी। कर मतलब हाथ, वस्त्र माने कपड़ा, हाथ पोछने का कपड़ा, इसलिए रुमाल का नाम होता है संस्कृत में कर वस्त्राणी, और इंग्लिश मैंने आपको पहले बता दिया है, जो आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, हैंकी के रूप में उसको प्रयोग किया जाता है, और हिंदी में रुमाल, और हमारे संस्कृत में कर वस्त्राणि, कर माने हाथ, वस्त्र माने कपड़ा, हाथ पोछने का कपड़ा। ठीक है, तो लिखा है एतानि कानि, ये सब क्या है, एतानि कर वस्त्राणि सन्ति, ये सब रुमाले हैं, या ये सब रुमाल हैं, ऐसा बोल सकते हैं, ये सब रुमाल हैं। किम एतानि पुराणानि, किम मतलब क्या, एतानि मतलब ये सभी, पुराणानि मतलब पुरानी, क्या ये सभी पुरानी हैं, पुरानी मतलब आप समझ रहे हो नई और पुरानी, जिसको आप बोलते हो न्यू और ओल्ड, तो ओल्ड मतलब पुरानी, ठीक है, न्यू मतलब नई, तो इसमें लिखा है किम एतानि पुराणानि, क्या ये सभी पुरानी हैं, तो लिखा है ना, नहीं, एतानि तु नूतनानि, ये सभी तो नई हैं, नूतनानि का मतलब होता है नया, ये सभी नई हैं। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट पैराग्राफ में, उसमें आप देखेंगे एक चित्र बना हुआ है, वो चित्र आप देख के समझ गए होंगे, जो आपको बहुत प्यारा लगता है, खाने में बड़ा अच्छा लगता है,
और किसका है, केले का पेड़ है, और उसमें जो फल भी लगा हुआ है, केले का फल लगा हुआ है, बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे और देख के ही समझ जाएंगे। तो उस केला को इंग्लिश में आपको सबको पता है क्या बोलते हैं, मैक्सिमम छोटे बच्चे भी जानते हैं, जो विद्यालय नहीं है भी आते हैं, उन्हें भी पता है कि केला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो ये केला शब्द है, केला को बताने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। केला मीन्स बनाना, और हमारे संस्कृत में थोड़ा सा उसका बड़ा नाम है, कैसे, कदली फलानी। केला को संस्कृत में बोलते हैं कदली फलानी, ठीक है। अब केला का टेस्ट भी आपको पता होगा कि मीठा होता है कि कड़वा होता है, या उसे खाने से शरीर में पोषक मिलता है या नहीं मिलता है, ये उसकी जानकारी हम इसको पढ़ के बताते हैं, ठीक है। तो तानी कानी ये सब क्या है, तानी कदली फलानी सन्ति, ये सब केला केले के फल हैं। किन तानी मधुराणी, क्या ये सभी मीठे हैं, मधुर मतलब मीठे, क्या ये सभी मीठे हैं, आम, आम मतलब हाँ, तान मधुराणी पोषकाणी च, ये सभी मीठे और पोषक प्रदान करने वाले हैं, ठीक है, ये सभी मीठे और पोषक प्रदान करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो हम तीसरा पाठ पढ़े, इस तीसरे पाठ में जितने भी शब्द आए हैं सब नपुंसक लिंग के शब्द हैं। अब हमें क्या करना है कि पाठ पढ़ते समय जितने भी नपुंसक लिंग के शब्द हैं एक सूची तैयार करना होगा, कि हेडिंग बना देंगे नपुंसक लिंग और उसके नीचे सीरियल नंबर 22 जितने शब्द नपुंसक लिंग के हैं, आप अपने स्वविवेक से उन शब्दों को अलग करेंगे, उनका नाम लिखेंगे, ठीक है। और जो इसमें शब्दार्थ दिए हुए हैं, शब्दार्थ को बार बार आपको रीड करना है, उसका अर्थ समझना है और फिर पाठ का अर्थ करना है, ताकि जब एक बार दो बार, इसमें हमको बहुत अच्छी बात है इस बुक में कि एक चित्र बना हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हम चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से समझ ले रहे हैं, और जो थोड़ा बहुत यदि प्रॉब्लम आ रही तो उसमें शब्दार्थ दिया हुआ है, शब्दार्थ की सहायता से हमको उसको पूरा करना है। तो ये चैप्टर 3 आज समाप्त होता है, अब हम अगले दिन चैप्टर 4 के साथ मिलेंगे, धन्यवाद।